हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावुन किया है। ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ बीएसएम डेवलपर्स। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ बीएसएम डेवलपर्स। बल्दियाती इलेक्शन में यूनियन कौंसल एकता छः के उम्मीदवारान की कागजात नामजदगी फार्म्स की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात की छानबीन के दौरान 46 उम्मीदवारान के फार्म मुस्तरद कर दिए गए। 26 अप्रैल से एतराजात जमा किए जाएंगे। एतराजात दायर करने की आखिरी तारीख 28 अप्रैल तक होगी। बल्दियाती इलेक्शन से कबल सियासी इत्तेहाद और जोड़ तोड़ का अमल उरूज पर पहुंच गया। नागुमान वार्ड ग्वादर के आज़ाद उम्मीदवार नाखुदा मुल्ला नागुमान ने हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच की मौजूदगी में इलेक्शन से कबल हक दो तहरीक पैनल में शमूलियत का ऐलान कर दिया। हक दो तहरीक ने तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच की सरबराही में सुरबंदन पुलिस थाने के सामने धरना दे दिया। धरने के शुरका ने मुतालबा करते हुए कहा, सुरबंदन पुलिस मौलाना मुस्लिम नामी शख्स के नाम पर चाक की गई एफआईआर को वापस लेकर पुलिस अपनी बदकलामी पर माफी मांगे। धरने के शुरका से पुलिस ने कामयाब मुजाकरात करके मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच से पब्लिक के सामने माफी भी मांगी। एफआईआर को वापस लेने का ऐलान किया गया। पुलिस की जानिब से माफी मांगने पर धरने के शुरका ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सुरबंदन के रिहायशी मौलाना मुस्लिम के खिलाफ एफआईआर का मामला, सुरबंदन पुलिस ने मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में मौलाना मुस्लिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। एएसपी ग्वादर पुलिस तला वली के मुताबिक मंशियात फरोशों को बचाने के लिए थाने का घेराव किया गया। पुलिस के मुताबिक सुरबंदन बैरून मुल्क मंशियात स्मगल करने वाले गुरोह का मंशियात समंदर में गिर गया था, जो कि मछली का शिकार करने वाले माहीगीर के जाल में चर्स फंस गया था। पुलिस के मुताबिक माहीगीर ने अपने बेटे और मौलाना मुस्लिम के भाई वाजुल के जरिए मंशियात सुरबंदन और दिगर इलाकों में फरोख्त शुरू किया। एएसपी ने बताया कि पुलिस ने रब्ता करके मंशियात फरोशी से बाज रहने और मंशियात को पुलिस के हवाले करने को कहा, लेकिन वाजुल नामी शख्स वापसी के लिए तैयार नहीं था। पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोश वाजुल के भाई मौलाना मुस्लिम ने हक दो तहरीक के सरबरा की धमकी दी और कहा कि मौलाना ने ताने जाने से मना किया है और पुलिस पर पथराव कराने का भी हुक्म दिया है। एएसपी का मौलाना मुस्लिम वाकये पर मौके पुलिस ने पुलिस एहलकार और मौलाना मुस्लिम के दरमियान गुफ्तगु की वॉइस रिकॉर्डिंग भी जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद बलूच से जमीयत उलमा इस्लाम के जिल्ले अमीर मौलाना अब्दुल हमीद इनकलाबी की सरबराई में वफ्द की मुलाकात। मुलाकात में ईद मेले में खवातीन के लिए प्रोग्राम को कैंसिल कराने, बिजली और खराब ट्रांसफार्मर्स के मसाइल पर बातचीत की गई, जबकि हालिया बारिशों से मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने का मुतालबा भी किया गया। सिकुनी के मकाम पर ट्रालर्स की यलगार, माहीगीर डर के मारे शिकार के लिए नहीं जा सके। माहीगीरों के मुताबिक ट्रालर्स उनके जरिए माश को नुकसान पहुंचाने के अलावा जालों को काट कर अपने साथ ले जाते हैं। महकमा फिशरीज के आला हुकाम ने दि ग्वादर पोस्ट को बताया कि फिशरीज पेट्रोलिंग टीम को ट्रालर्स के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए रवाना कर दिया है, ताहम अब तक किसी कार्रवाई की इतला मौसूल नहीं हुई। ग्वादर पुलिस ने पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। खिदमत मरकज में लाइसेंस ब्रांच और मकानात के किरायेदारों के रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। एसएसपी ग्वादर पुलिस फहद हुसैन कोसा ने कंप्यूटर रूम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। ग्वादर पुलिस रिकॉर्ड को जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक करके रिकॉर्ड महफूज करेगा। CIA पुलिस की पिशुकान के इलाके पस्सों के मकाम पर कार्रवाई,
बैरून मुल्क चर्च स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। CIA पुलिस के मुताबिक खुफिया इतला मिलने पर पुलिस पार्टी ने निजर अता मामद के ठिकाने पर छापा मारकर 10 किलोग्राम चर्च बरामद कर लिया। कार्रवाई के बाद असबे रवायत CIA इंचार्ज की जानिब से बताया गया कि मुलजमान पुलिस को देखकर मंशियात छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। इंचार्ज के मुताबिक CIA ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और रमजानुल मुबारक नाइट नॉकआउट यंग और यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट ग्वादर 2022 बनाम मरूम अतीकुर रहमान नवाब और मोहम्मद असलम काबूस में यंग फुटबॉल क्लबों के दरमियान सेमीफाइनल मैचेस खेले गए। मुकाबले में पहले मैच में यंग बलूच फुटबॉल क्लब और कैप्टन कादिर नेशनल फुटबॉल क्लब मद्दे मुकाबल रहे। यंग बलूच फुटबॉल क्लब ने मैच पेनल्टी किक से जीतकर अपने नाम कर लिया। यंग का दूसरा मैच नायाब कॉलोनी फुटबॉल क्लब और बलूच फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया, जो कि बलूच फुटबॉल क्लब ने 2 गोल से जीत लिया।